आइए। आज मुझे एक युवकों के साथ में साइकिलिंग करने का एक अवसर दिया है अपने तरफ से, एक दिन नहीं सही 24 घंटे का, जिसमें कि आपका नाम बताओ? आर्यन कुंभलवर। और आप साइकिलिंग जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे भी ऐसा करिए, लेकिन नशापत्ती नहीं करने का। हाँ हाँ। एक साइकिलिंग में किसी भी चीज़ की नशीली चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना। मैडम, आप साइकिलिंग जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और आगे के लिए आप साइकिलिंग नहीं छोड़ने का, क्योंकि साइकिलिंग छोड़ने के बाद फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत। हाँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ के रोड बिल्कुल अच्छे नहीं। ये तो महाराष्ट्र है अपना, ऐसे इंडिया में काफ़ी जगह रोड इतनी भयानक ना। थोड़ा एमपी बॉर्डर तरफ जाओ, छत्तीसगढ़ बॉर्डर तरफ जाओ ना, तो रोड अच्छे मिलते। रोड ऐसा नहीं है कि रोड अपने इधर ही रोड ख़राब है, सभी जगह इंडिया में सभी जगह के रोड ख़राब है, और काफ़ी रोड सुधर चुके हैं। मैंने अभी जो साइकिलिंग करके आया तो काफ़ी रोड को सुधारा गया है। जो कुछ साल पहले चला था मैं 2013-14 में, तो चलने लायक रोड नहीं थे इंडिया के अपने। मैं आगे जाता है थोड़ा शूटिंग कर लूँ। रेड एंड वाइट। सर, आप कब से साइकिलिंग कर रहे हो? मैं सर लास्ट ईयर सर। अच्छा जी हाँ। आपका नाम? आशीष पटेल जी। हाँ, थैंक यू। यहाँ इस तरीके से गांव में योगा करा जाता है। ये रेल की पटरी है जो मुंबई रोड जाती है नागपुर से। सर, आप वेट कम करने के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं कि तो टोटली साइकिलिंग करोगे आखिरी तक? आखिरी तक जाए। चलो, मेरे तरफ से शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग सर। आपका साइकिलिंग कितना साल हो गया करते हुए? सर 5 साल हो गए मुझे। 5 साल हो गए तो कंटिन्यू स्टार्ट हुआ है जी। से ही जॉइन। तो ये आपकी क्या इच्छा है कि आखिरी तक हम जब तक जीवित जब ऐसे? तक के है तब तक कि रास्ते में तक टाइम मिले तब तक देंगे हम। और साइकिलिंग करते टाइम में आप नशा पत्ती तो नहीं लेते हो? नहीं, कोई चीज भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरी नहीं है। और कैसा है कि एक साइकिल राइडर लोगों को किसी भी तरह से कोई नशा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये एक अपने लिए, अपने शरीर के लिए ताकतवर होता है। साइकिल चलाना चाहिए हफ्ते में को भी एक बार चलाना चाहिए। काफ़ी राइडरों के संग साइकिलिंग भी अच्छी रहती है। और मैंने ऐसे कई राइडरों को देखा है जो कोल्ड ड्रिंक में मिला करके नशापत्ती की वो किया जाता है। मतलब ही नहीं है ना नशा करके साइकिल चलाने से। एक रुझबा दिखाया जाता है कि मैं बहुत फास्ट चलता हूँ। नशे में चलाते साइकिल। ओरिजिनल जो साइकिल होती है वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। वो बॉडी एकदम हार्ड होती है और आगे लड़ाई लड़ने के लिए ताकतवर बनती है बॉडी। और खास करके जो बॉडी है वो लचीलापन होती है। हाँ। दूसरी बात है कि हम लोगों का यहाँ पर एक अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है, अवेयरनेस हो जाता है साइकिल से रिलेटेड। जो भी कुछ लोग बोलते हैं ना भान किया हमको साइकिल चला के नहीं होती, पैन हो रहा है वगैरह वगैरह, तो वो सब चीज़ों से निजात साइकिल से पाई जाती है। चलो, शुभकामनाएं मेरी ओर से। हमारे ये अशोक दादा है मिश्राम जी, इन्होंने काफ़ी साइकिलिंग कर चुके हैं गोंदिया से। अपना गोंदिया में इस प्रकार से इन्होंने साइकिलिंग करके एक नाम रोशन करा है, और काफ़ी युवकनी को गाइड करते हैं। हमें इनसे मिल कर के काफ़ी सालों से एक संबंध है हमारा, और कोशिश करेंगे कि आगे की ओर चले। और ऐसा ही है, एक युवक युवकनी को गाइड करे, जो मेरी सोच है वैसा ही इनकी सोच है। चलो, जय हिंद। आगे अपन को वो पहाड़ी मिलेगी। हाँ, मैं और एक दो जने के थोड़ा ये ले लूँ। धीरे धीरे धीरे। आपको कैसा लग रहा है साइकिलिंग करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। और कब से कर रहे हो आप साइकिलिंग? 2 साल।
दो साल हो गए, तो फिर आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ी अभी तक? कैसी बढ़ेंगी? आपकी साइकिल की जो लंबाई है, जो वो साइकिल से ज़्यादा आपकी लंबाई होना चाहिए। पता नहीं, तो आगे आने वाले टाइम में आप कुछ बड़े हो जाओगे तो किसी तरह से नशा करके साइकिलिंग करूँगे या ऐसी करूँगे? नहीं। हाँ क्या बोलूँगा? आप नशा ना करा जाए, ठीक है? आप अभी डोंगा चढ़ जा रहे हो? हम कल सुबह निकलेंगे। मैडम, आपका आज का फर्स्ट दिन है और आपको साइकिल चलाने में यानी किस तरीके से लग रहा है कि मैं आगे साइकिलिंग करूँगे या फिर रास्ते में ड्रॉप कर दूँगे? एक साइकिलिंग चलाने में कैसा है कि मॉर्निंग के टाइम जो इंसान चलता है उसे एक लाइट के अंदर में नयापन लगता है और बहुत अच्छा लगता है। और एक अच्छा लग रहा है कि जो आप साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिलिंग करते समय में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहिए, जो काफ़ी जो पुराने जो साइकिलिस्ट होते हो उनमें साइकिल का नुकसान भी होता है, इंसान का साथ में जान जाने की पारी रहती है जरा सी गलती की वजह से, वो अपन लोग उसको समझ नहीं पाते सामने की बातों को कि सामने वाले ने क्या कहा था, कौन सी टर्निंग में किस तरीके से साइकिल उतारी जाती है। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। और जब अपन चलते हैं तो एक कंट्रोलिंग में अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से टेंशन नहीं चाहिए घर का। अगर घर का टेंशन लेके रोड में उतरते हो तो वो अपने लिए हानिकारक है। और दूसरी बात, साउंड चालू करके साइकिलिंग नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रोड के ऊपर में अलग अलग प्रकार के लोग गाड़ी किसी प्रकार से आड़ी टेढ़ी लाते हैं और वो अपने टू व्हीलर वालों को साइकिलिंग करने में गलत साबित करके ठोक के चले जाते हैं और अपन साउंड के चक्कर में रहते हैं, तो वो ना किया जाए। चलो, मेरे को आपका नाम ठीक है, चलो थैंक यू, आइए। आप मैडम जो साइकिलिंग कर रहे हो वेट कम करने के लिए कर रहे हो कि टोटल साइकिलिंग का वेट कम होने के बाद में आप छोड़ दोगे? नहीं नहीं, मैं कंटिन्यू रखूँगी। आप इस जो क्लब में ज्वाइंट हुए हैं तो मेरे को बहुत खुशी है कि आप कंटिन्यू आखिरी तक साइकिलिंग करते रहे। बिल्कुल, क्योंकि और दूसरी बात, हिम्मत ना हारे, अंदर में दिमाग में टेंशन लेके साइकिलिंग ना करा जाए, ताकि अपन को 10 लोगों को लेके चलना है। बिल्कुल, अगर अपन बाकी लोगों को भी लेके जाना है। हाँ, क्योंकि आपको और भी प्रोत्साहित करना है उन्हें कि आप साइकिलिंग का अपना साइड पकड़ के चले और साइड में जो होती है वो अपने एक प्रकार से जान को बचाने के लिए अपना साइड नहीं छोड़ने का शुरू से आखिरी तक। एक पट्टा होता है जो किनारे का वाइट कलर का, उसको हमेशा शुरू से आखिरी तक किया जाता है। हाँ। रेसिंग में कैसा आड़ा टेढ़ा कैसा भी निकला जाता है, लेकिन जो अपन को लॉन्ग टूर होता है उसमें साइकिलिंग एक जैसे चलाने का, एक टूर में चलाने का। तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जी, और मैं पिछले एक साल से साइकिलिंग कर रही हूँ और गोंदिया के एक साइकिलिंग संघ ग्रुप से जुड़ चुकी हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अगर मुझे कभी वक्त मिले तो आप लोगों के बीच में आके गाइड करने की कोशिश करेगा जरूर, मेरा टूर ख़त्म होने के बाद। जी, मैडम आप कब से कर रहे हो साइकिलिंग? 2019 से कर रहे हो। तो रोज चलाते हो कि हफ्ते में एक ही दिन? मेरा रोज का ही है, मैं ऑफिस जाती हूँ साइकिल से। ऑफिस जाते हो, चलो। और मेरे तरफ से शुभकामना है और आप अगर ऐसी साइकिलिंग करते रहोगे तो हर चीज़ की बीमारियों से बच जाओगे और एक नयापन रहेगा जीवन में कि मेरा बॉडी मेंटेनेंस बना रहे, क्योंकि और खान पान में भी ध्यान रखिए। जैसे 10 रोटी खाने को तो 5 ही खाई है, दो बार खाई है, 3 बार खाई है। तो लेडीज़ को अक्सर करके देखा है मैंने कि मैरिज होने के बाद उनका शरीर फूटते चला जाता और वो टूटते चले जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, चाहे कितना भी टेंशन आए उसे एक साइड में रखिए। मुझे पहले मेरा शरीर का मेंटेनेंस अच्छा रहेगा
तो मैं लाइफ में मैं 10 लोगों को संभाल सकूंगी। ऐसा करके एक मानसिक स्थिति होती है जो इंसान को प्रॉब्लम में डाल देती है, वो नहीं होना चाहिए। वो कभी लाना भी नहीं अपने माइंड पे, चाहे करोड़ों का नुकसान हो जाए, ये सोचना कि मैं आने वाले टाइम पे कमा लूँ, कमा लेंगे करके। ठीक है, चलो शुभकामनाएं मेरी ओर से, थैंक यू। चलो आप लोगों के बीच में जो सर साइकिलिंग कर रहे हो आप, आज आपके बीच में हूँ मैं, कैसा लग रहा है आपको एक प्रकार से? बहुत बढ़िया। मैं कोशिश साइकिलिंग करने के लिए जो ये टाइम मिला वो बहुत अच्छा मिला। तो हमको तो पता ही नहीं था ना कि आप नागपुर से हो करके। नहीं, अच्छा लगा। टोटली आप लोगों के बीच में मैं जो साइकिलिंग कर रहा है, तो ऐसे करके मैंने इंडिया के अंदर में कई ग्रुप है, उनके ग्रुपों के साथ में मैंने एक एक दिन ऐसा दिया हुआ है। जो साइकिलिंग ग्रुप है उन्हें गाइड करा, उन्हें समझाया कि आप साइकिलिंग करते टाइम में एक पट्टा होता है रोड में नेशनल हाईवे में, वो पट्टे के बस आजू बाजू में एक बल्लस में चलने की कोशिश करो शुरू से लेके आखिर तक। उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, हाईवे रहा। हाँ, और बहुत अच्छा है आप अपना ग्रुप लेके चल रहे। मेरे तरफ से शुभकामनाएं आपको।